हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, विजुअल्स ईशार्प के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दो नए कंट्रोल्स बताने वाला हूँ। एक है हमारा न्यूमरिक अपडाउन और दूसरा है डोमेन अपडाउन। तो सबसे पहले तो मैं एक टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ एंड उसके बाद मुझे लेना है न्यूमरिक अपडाउन। तो ये न्यूमरिक अपडाउन है एंड देन आफ्टर डोमेन अपडाउन। तो डोमेन अप डाउन मुझे यहाँ पे कहीं डिस्प्ले नहीं हो रहा कॉमन कॉमन कंट्रोल्स के अंदर। तो मैं ऑल विंडोज़ फॉर्म्स के अंदर चले जाता हूँ और यहाँ पे है हमारा डोमेन अप डाउन। ओके, तो ये तीन कंट्रोल तो मैंने ले लिए। उसके अलावा मैं दो लेबल भी ले लेता हूँ। टूल बॉक्स में जाके मैं दो लेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ कॉमन कंट्रोल्स के अंदर लेबल। तो एक लेबल लिया, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड सबको सेलेक्ट करके मैं सबका साइज इंक्रीज कर लेता हूँ। सबका फॉन्ट साइज मैं 14 कर देता हूँ या 12 कर देता हूँ और बोल्ड कर देता हूँ। तो ये प्रॉपर्टीज आ गई। अब इसमें मुझे फॉन्ट प्रॉपर्टी देखना है। ठीक है, फॉन्ट प्रॉपर्टी तो कहीं पे डिस्प्ले हो नहीं रहा। तो ओके, दिस इज फॉन्ट प्रॉपर्टी। तो ये फॉन्ट प्रॉपर्टी है, सबका एक साथ फॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं 14 और बोल्ड। ओके, अब सबका साइज भी थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स का साइज इंक्रीज कर दिया, उसके बाद ये डोमेन अप डाउन, देन आफ्टर न्यूमरिक अप डाउन। अब फ्रेंड्स, न्यूमरिक अप डाउन में क्या होता है कि हम नंबर्स को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन डोमेन अप डाउन में नंबर्स के अलावा हम कुछ स्ट्रिंग्स वगैरह भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये डोमेन अप डाउन दिखने में न्यूमरिक अप डाउन की तरह ही होता है। तो सबसे पहले तो मैं सेलेक्ट करता हूँ न्यूमरिक अप डाउन को और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज सेट कर देता हूँ, जैसे कि इसमें मिनिमम मैक्सिमम प्रॉपर्टी रहेगा कि मिनिमम नंबर क्या हमें दिखाना है। तो मैंने मिनिमम कर दिया, 0 0 ही कर लेते हैं मिनिमम, या 1 कर लेते हैं। मिनिमम मैंने 1 कर दिया और मैक्सिमम मैंने 100 कर दिया। और ये इंक्रीमेंट होता है, मतलब कितने से इंक्रीमेंट हो। जब भी मैं अप करूँ तो जैसे मैंने इंक्रीमेंट 1 किया तो 1 के बाद 2 होगा जब मैं अप करूंगा, और फिर मैं अप करूंगा तो फिर 2 होगा। लेकिन अगर मैंने इंक्रीमेंट में 5 रखा और इनिशियली मेरा 1 है तो 1 के बाद सीधे 6 आएगा, 6 के बाद 11 आएगा, ठीक है। मतलब 5 5 से इंक्रीमेंट होगा या फिर 5 5 से डिक्रीमेंट होगा जब मैं डाउन वाला बटन प्रेस करूंगा इसमें। ओके, इसी तरह अब मैं लेता हूँ और इसमें जैसे अभी क्या दिखा रहा है, 1 दिखा रहा है। लेकिन मैं अगर कुछ डिफॉल्ट सेट करना चाहता हूँ कि शुरू में हमें 10 दिखाई दे, तो इसमें वैल्यू प्रॉपर्टी है। वैल्यू प्रॉपर्टी में मैंने 10 कर दिया तो इनिशियली इसमें 10 दिखाएगा। हम बैक कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, तो 1 1 से डिक्रीज होते जाएगा, 9 8 7 अप टू सोन 1 तक जाएगा, 1 से पीछे नहीं जाएगा। तो हमने रेंज प्रोवाइड कर दिया है मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 100। ओके, अब डोमेन अप डाउन लेते हैं। इसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ तो मेरा देखो, पहले मैं लेबल में यहाँ लिख देता हूँ। पहले लेबल पे मैंने लिख दिया फॉन्ट एंड दूसरे पे मैंने लिखा साइज। अब इस एग्जाम्पल में हम क्या करने वाले हैं, टेक्स्ट बॉक्स में हम कुछ टेक्स्ट लिखेंगे और रन टाइम पे हम उस टेक्स्ट बॉक्स का फॉन्ट चेंज करेंगे, मतलब फॉन्ट का साइज और फॉन्ट का फेस चेंज करेंगे। तो फॉन्ट का साइज हमें मिलेगा न्यूमरिक अप डाउन से और फॉन्ट का फेस हमें मिलेगा डोमेन अप डाउन से। तो डोमेन अप डाउन में आके सबसे पहले हम इसका टेक्स्ट यहाँ से हटा देते हैं। ओके, टेक्स्ट में मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कोई फॉन्ट का नाम दे देता हूँ। जैसे मैंने लिखा एरियल,
ओके, आपको पता होगा काफ़ी सारे फॉन्ट फेसेस होते हैं, एरियल, एरियल ब्लैक, टाइम्स न्यू रोमन, अल्जीरियन, तहोमा, और बहुत सारे होते हैं। तो मैं यहाँ पे, एक तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट में लिख दिया, अब दूसरे फॉन्ट के नाम में कहाँ दूंगा, तो वो मुझे सर्च करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी में यूज़ करूँगा इसकी, मुझे देखना पड़ेगा। तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं, बैक कलर, बॉर्डर स्टाइल, बट जो प्रॉपर्टी मैं सर्च कर रहा हूँ वो मुझे कहीं दिख नहीं रही। ओके, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो आइटम्स के अंदर मुझे जाना है, ठीक है, काफ़ी टाइम लग गया मुझे क्योंकि ये कंट्रोल मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। तो आइटम प्रॉपर्टी ये देख रहे हैं आप, कलेक्शन, मतलब मल्टीपल वैल्यूज इसमें हो सकती हैं। ओके ओके, सो यहाँ पे हम कुछ फॉन्ट के नाम लिख देते हैं, जैसे मैंने लिखा एरियल, एरियल ब्लैक, ठीक है, उसके बाद अल्जीरियन। एरियल तो वैसे हमने शुरू में भी लिखा ही हुआ था, एरियल, एरियल ब्रेक, अल्जीरियन, एंड और क्या होता है, टाइम्स न्यू रोमन। ओके, तो ये सारे फॉन्ट के नाम हमने लिख दिए। ओके, अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो डोमेन अप डाउन का जो डिफ़ॉल्ट फंक्शन होता है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट इवेंट जो होता है उसका, वो होता है सिलेक्टेड आइटम चेंज्ड। ओके, जैसे ही हम आइटम चेंज करेंगे तब क्या होना है वो हम कोड यहाँ पे करेंगे। एंड इसी तरह इस पे भी डबल क्लिक कर दिया, तो ये वैल्यू चेंज्ड इसका इवेंट होता है। तो उस जैसे ही हम वैल्यू चेंज करेंगे, 1 2 3 जो भी हम अप डाउन करेंगे, तो क्या टास्क परफॉर्म होना है वो हम यहाँ लिख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जब हम फॉन्ट चेंज करें डोमेन अप डाउन से, तो भी हमारा टेक्स्ट बॉक्स का फॉन्ट चेंज होना चाहिए, या न्यूमरिक अप डाउन से जब हम नंबर चेंज करें साइज, तो भी हमारा फॉन्ट चेंज होना चाहिए। ओके, तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं जिसको हम दोनों के अंदर कॉल करेंगे, ठीक है। हम चाहें तो न्यूमरिक अप डाउन की वैल्यू चेंज करें, या फिर डोमेन अप डाउन से कोई आइटम चेंज करें, दोनों ही केस में फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो एक सेपरेट फंक्शन हम बना लेते हैं, तो यहाँ मैं नाम लिख देता हूँ प्राइवेट, एंड मुझे कुछ रिटर्न नहीं करना है, तो वॉइड रिटर्न टाइप दे दिया, और फंक्शन का नाम मैं दे दिया चेंज फॉन्ट। ओके, एंड यहाँ पे मैंने लिखा स्ट्रिंग फॉन्ट, एक वेरिएबल बना लिया फॉन्ट नाम का, और यहाँ मैं लिख देता हूँ कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग, कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना है। किसको कन्वर्ट करना है, जो हमें डोमेन अप डाउन में आइटम हम लेंगे उसको मुझे कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में। तो मैं लिखता हूँ डोमेन अप डाउन डॉट सेलेक्टेड आइटम, ओके, सेमी कोलन। तो डोमेन अप डाउन में जो भी आइटम हमने सेलेक्ट किया है, ठीक है, डोमेन अप डाउन के अंदर हमने क्या क्या आइटम्स रखे हैं, हमने फॉन्ट्स के नाम रखे हैं, एरियल, अल्जीरियन, एंड एरियल ब्लैक, टाइम्स न्यू रोमन। तो जो भी हमारा आइटम हमने सेलेक्ट किया है उसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके एक स्ट्रिंग वेरिएबल फॉन्ट के अंदर असाइन कर दिया। इसी तरह अब न्यूमरिक अप डाउन में तो इंटीजर वैल्यू होती है, तो हम यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल बनाते हैं,
और इसका नाम मैं देता हूँ साइज, एंड अब मैं लिखूंगा कन्वर्ट डॉट टू इंटीजर 32। एंड अब मुझे कन्वर्ट करना है न्यूमरिक अप डाउन के अंदर जो भी मैंने वैल्यू सेलेक्ट की होगी उसको मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करके असाइन करना है साइज नाम के वेरिएबल में। ओके, तो मैं क्या लिखूंगा, न्यूमरिक अप डाउन डॉट वैल्यू, न्यूमरिक अप डाउन डॉट वैल्यू। ओके, तो अब अगर मुझे फॉन्ट चेंज करना है किसका, टेक्स्ट बॉक्स का, तो मैं लिखूंगा टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट, सॉरी टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट नहीं चेंज करना, फॉन्ट चेंज करना है, तो टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट फॉन्ट एंड न्यू फॉन्ट लिखा। अब इसके अंदर मुझे क्या पास करना पड़ता है, मुझे इसके अंदर फॉन्ट का साइज पास करना पड़ेगा एंड फॉन्ट का फेस बताना पड़ेगा। तो फॉन्ट का फेस तो ऑलरेडी हमारा एस वेरिएबल में आ चुका है और फॉन्ट का साइज ऑलरेडी न्यूमरिक अप डाउन से साइज वेरिएबल में आ चुका है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फॉन्ट कोमा साइज। ओके, एंड इस फंक्शन को हमें, ये फंक्शन हमने बनाया है लेकिन इसको कॉल कब करना है, जब हम डोमेन अप डाउन में अप डाउन करेंगे मतलब आइटम चेंज करेंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा, या फिर हम न्यूमरिक अप डाउन में जब आइटम चेंज करेंगे, ठीक है, अप डाउन करेंगे तो भी ये फंक्शन कॉल होगा। ओके, तो एक ही फंक्शन को दो बार दो तरीके से हमने कॉल किया। अब हम इसको रन करते हैं स्टार्ट पे जाके। अब शुरू में तो टेक्स्ट बॉक्स में जो रहेगा वो 12 साइज का रहेगा, क्योंकि मैंने जो डिफॉल्ट अभी साइज दिया हुआ है टेक्स्ट बॉक्स का वो 12 दिया हुआ है, लेकिन मैं उसको डिक्रीमेंट कर सकता हूँ, 10 तक ला सकता हूँ, और इंक्रीमेंट करते 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 मैं 100 तक ले जा सकता हूँ, क्योंकि न्यूमरिक अप डाउन की जो मैक्सिमम वैल्यू मैंने दी है वो 100 दी है। तो पहले तो मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, जैसे मैंने हेलो लिखा एंड यहाँ से मैंने इसको अप किया, तो मेरे एंटीवायरस ने इसको स्टॉप कर दिया, फिर से ये स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो ये स्टार्ट हो गया, मैं फिर से हेलो लिखता हूँ। ओके, तो आप देख रहे हैं इसका ये साइज इंक्रीज हो रहा है। एंड फॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ से फॉन्ट चेंज हो गया, एरियल ब्लैक हो गया, अल्जीरियन हो गया, टाइम्स न्यू रोमन हो गया, फॉन्ट का साइज इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज करना है तो डिक्रीज होते जाएगा। ओके, तो जो फंक्शन हमने बनाया था वो हर बार कॉल होगा, जब भी मैं न्यूमरिक अप डाउन में या तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करूँगा तब भी कॉल होगा, या हम डोमेन अप डाउन में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेंगे तो भी ये चेंज होगा, फंक्शन कॉल होगा। और फंक्शन में हमने क्या किया था, डोमेन अप डाउन से फॉन्ट का फेस लिया, सिलेक्टेड आइटम को लिया जो कि हमारा फॉन्ट फेस है, और न्यूमेरिक अप डाउन में हमने वैल्यू ली जो कि हमारा एक इंटीजर नंबर है, दोनों को यूज़ करके हमने इसके फॉन्ट को चेंज किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।